हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको किंग्स गैम्बिट डिक्लाइन के बारे में बताऊंगा। किंग्स गैम्बिट डिक्लाइन, किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड के मैंने सारे वीडियो आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं डिक्लाइन में क्या करता है। e4 e5 f4 डिक्लाइन यानी ब्लैक पॉन एक्सेप्ट नहीं करता, ई क्रॉस f4 नहीं करता। यहाँ पे अलग अलग मूव्स है। सबसे पहले देखते हैं नाइट f6। नाइट f6 में आपको रिप्लाई देना है नाइट f3। ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट c6। यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन और नाइट क्रॉस e4। यहाँ से शुरू होती है आपकी टेक्निक d3। अब नाइट के पास ए के बेस्ट चॉइस है नाइट c5। अगेन d4, नाइट a6, क्योंकि नाइट e6 में d5 होता है, डबल अटैक से पीस मिलता है आपको, तो नाइट a6 आएगा। यहाँ बिशप c4 थ्रेटनिंग टू f7। ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन e7। यहाँ पे खेलना है नाइट c3। ब्लैक रिप्लाई देगा h6 कैसल g5। दोस्तों यहाँ से कम्प्लीटली वाइट विनिंग है। नाइट d5 फॉर क्वीन पे अटैक है। क्वीन d8 ओनली ऑप्शन है, क्वीन के और कोई जगह नहीं है, क्योंकि क्वीन e6 में डिस्कवर चेक से क्वीन लॉस होता है। नाइट f6 चेक, किंग e7 और यहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट मूव है नाइट g5। आफ्टर एच क्रॉस g5 आप वीडियो पोस्ट करके 2 मिनट मूव्स ढूंढिए, बहुत ही जबरदस्त मूव है वाइट की ओर से। चलिए मैं बताता हूँ। क्वीन h5, बूम, व्हाट अ सैक्रिफाइस। क्वीन रूक टेक्स h5, क्योंकि क्वीन f7 चेकमेट की थ्रेट भी है साथ में, तो रूक टेक्स h5। यहाँ पे मेट इनटू है नाइट g8 चेक। किंग के पास ओनली ऑप्शन है e8 और बिशप f7 मेट है, तो बहुत ही बढ़िया सैक्रिफाइस इस गेम में है, नाइट और क्वीन दोनों का सैक्रिफाइस, और फाइनली वाइट आराम से गेम जीतता है। चलिए दूसरी ट्रैप देखते हैं। यहाँ पे सेकंड ट्रैप, ओके, ये वाली ट्रैप में ब्लैक प्लेयर को फायदा होगा। कैसे होगा देखिए, e4 e5 f4 यहाँ पे ब्लैक एक ट्रैप कर सकता है। अगर आप ब्लैक से खेलना चाहते हो अगेंस्ट किंग्स गैम्बिट, तो आपको यहाँ पे बिशप c5 करना है। व्हाइट खेलेगा पॉन टेक्स पॉन। अगर पॉन टेक्स पॉन किया तो यहाँ पे ब्लैक टू प्ले एंड विन, सिंपल विनिंग है। सबको दिख जाएगा क्वीन h4 चेक, g3 एंड क्वीन इनटू e4 और आप डबल अटैक से रुक प्लस हो जाते हो स्टार्टिंग में। अगर g3 वाइट नहीं करता है, लाइक किंग के पास ओनली ऑप्शन है, तो सिंपल क्वीन f7 चेक और यहाँ भी कम्प्लीटली गेम ब्लैक के फेवर में है। चलिए और भी बहुत सारी ट्रैप्स है, मैं दिखाऊंगा आपको एक ही वीडियो में। दोस्तों इस ट्रैप में मतलब जो लास्ट पोजीशन है उसके बारे में मेटिन 2 या मेटिन 3 की पजल भी आपने देखी होगी। उसी पोजीशन बहुत सारे प्लेयर ने देखी होगी, वो इसी गेम में है। चलिए देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे e4 e5 f4 बिशप लाइन में है, नाइट e2 पॉन को डिफेंस भी किया है, क्वीन h4 को रोक भी दिया है, क्योंकि g3 अब कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देता है क्वीन f6, फिर से पॉन पे एक प्रेशर बढ़ाया है। व्हाइट यहाँ पे खेलता है c3, आइडिया है पॉन टेक्स पॉन में d4 और काउंटर अटैक और अटैक मिलता है। ब्लैक यहाँ रिप्लाई देता है नाइट c6, d4 पॉन को स्टॉप कर दिया। व्हाइट रिप्लाई देता है g3, क्योंकि अब लाइट स्क्वायर बिशप यहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता, तो bg2 करने के प्लानिंग थे। ब्लैक रिप्लाई देता है यहाँ पे नाइट h6, बिशप g2, नाइट g4। अब आइडिया है बिशप चेक का और किंग को डिस्टर्ब करने का, और नाइट फोर्क भी दे सकते, तो व्हाइट रिप्लाई देता है रुक f1, यहाँ पे नाइट इनटू h2 और यहाँ पे व्हाइट एक जबरदस्त मिस्टेक करता है, पॉन टेक्स पॉन डिस्कवर डबल अटैक। चलिए यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके मेट इन टू मूव्स ढूंढ सकते हैं, मैं बताऊंगा यहाँ पे। क्वीन सैक्रिफाइस, बिशप टेक्स क्वीन एंड नाइट f3 चेकमेट। देखिए सभी लोगों ने ये ट्रैप देखी भी, मतलब ये चेकमेट इन टू की पजल देखी भी होगी। चलिए और भी बहुत सारे ट्रैप देखनी है, ओके। ये ट्रैप भी दोस्तों ब्लैक की ओर से है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, बिशप लाइन में ही है। e4 e5 f4 बिशप c5 नाइट f3 और यहाँ पे काउंटर अटैक ऑन d5 नाइट क्रॉस e5। यहाँ पे ब्लैक खेलेगा d takes e4। व्हाइट रिप्लाई देगा नाइट c3 अटैक ऑन e5 पॉन,
ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट एफ सिक्स डिफेंड ऑन ई फोर पोन, व्हाइट रिप्लाई देगा क्वीन ई टू अटैक ऑन ई फोर पोन, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट सी सिक्स डिफेंड नाइट इंटू एफ सेवन। अब देखो व्हाइट अगर ये मिस्टेक करता है तब भी व्हाइट ट्रैप में आ सकता है, क्योंकि नाइट एफ सेवन आइडिया क्या है कि किंग क्रॉस एफ सेवन और क्वीन सी फोर चेक से बिशप ले लेने का और पीस वापस मिलता है। लेकिन ब्लैक एक जबरदस्त मूव करता है क्वीन ई सेवन, सेक्रीफाइस ऑफ रूक नाइट इंटू एच एट और यहाँ शुरू होती है आपकी ट्रैप नाइट डी फोर। अब देखो व्हाइट के पास ओनली ऑप्शन है डी वन जाने का, क्योंकि नाइट सी टू फोर्क भी है और रुक वापस मिल रहा है, तो नाइट किंग डी वन और यहाँ पे नाइट एफ थ्री चेक, आफ्टर जी टेक्स एफ थ्री पॉन टेक्स डिस्कवर चेक, बिशप ई टू फोर्स मूव है और यहाँ पे एफ टू चेक, किंग एफ वन और बिशप चेक, तो ब्रिलियंट चेकमेट यहाँ पे सेक्रीफाइस करके ब्लैक ने निकाली है। और भी बहुत सारी ट्रैप्स हैं। ओके ये ट्रैप आपने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ई फोर ई फाइव एफ फोर डी सिक्स डिक्लाइन नाइट एफ थ्री बिशप जी फोर पिनिंग योर नाइट, बिशप सी फोर बिशप ई सेवन सिंपल डेवलपमेंट चल रहा है, कैसलिंग नाइट सी सिक्स सी थ्री नाइट ए फाइव, नाइट ए फाइव ये थोड़ी सी ब्लंडर मूव है, पॉन टेक्स पॉन पॉन टेक्स पॉन और बिशप टेक्स एफ सेवन। दोस्तों यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन अगर ब्लैक नहीं करता है, नाइट टेक्स सी फोर करता है, तो सिंपल क्वीन ए फोर चेक से आपको अपना पीस वापस मिल जाएगा, इसीलिए ब्लैक पॉन टेक्स पॉन करेगा और यहाँ पे बिशप क्रॉस एफ सेवन चेक, आफ्टर किंग एफ सेवन नाइट ई फाइव डिस्कवर चेक डबल चेक, किंग ई सिक्स अगर पीस वापस लेना चाहता है तो किंग ई सिक्स जाएगा और यहाँ पे क्वीन जी फोर चेक, किंग क्रॉस नाइट और क्वीन एफ फाइव चेक, किंग डी सिक्स क्वीन डी फाइव चेकमेट। चलिए दोस्तों एक और ट्रैप देखते हैं ब्लैक की ओर से, एफ फोर बिशप सी फाइव नाइट एफ थ्री नाइट सी सिक्स सी थ्री डी फाइव डी फोर, ये क्वेश्चन मार्क वाली व्हाइट की मूव है। यहाँ पे सिंपल ब्लैक प्लस हो जाएगा, पॉन टेक्स पॉन देन बिशप बी फोर चेक नाइट सी थ्री और पॉन टेक्स पॉन, यहाँ पे नाइट हैंगिंग है और ये नाइट पिन है। डी फाइव, डी फाइव सबसे ब्लंडर मूव है क्योंकि इसमें क्लियरली ब्लैक अप होता है, पॉन टेक्स नाइट, आफ्टर पॉन टेक्स नाइट देन एफ टू चेक बिशप टेक्स चेक पॉन टेक्स देन एफ टू चेक, किंग आपके पॉन को नहीं ले सकता क्योंकि क्वीन मर रही है, तो क्वीन ई टू जाएगा और बिशप जी फोर स्क्यूअर से आपको क्वीन मिल जाएगी, तो सिंपल आप ये गेम जीत सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको हॉक वियर काउंटर गैम्बिट के बारे में बताऊंगा, यही लाइन में एफ फोर में, मतलब किंग्स गैम्बिट में एक और वेरिएशन होता है जिसे कहते हैं हॉक वियर काउंटर गैम्बिट, तो इसके बारे में बहुत सारे ट्रैप्स है, इसलिए सारे ट्रैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।